नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको सिखाऊंगा ब्रिचेस की कटिंग कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ब्रिचेस कैसे काटी जाती है। कल हमने ब्रिचेस काटी थी, लेकिन किसी वजह से कैमरे का एंगल घूम जाने की वजह से ये ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं आज इसको दूसरी ब्रिचेस काटूंगा। तो ये हमारा ब्रिचेस का मेजरमेंट है। इसकी कमर है 35, इनके हिप हैं 38, लंबाई है 38, कमर, हिप और लंबाई। किनारी छोड़कर हमें यहाँ से 1.5 इंची पर निशान लगाना है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से हमें हिप का चौथा हिस्सा लेना है, 9.5। ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है यहाँ से, इसको हम यहाँ ले लेंगे। ये हमारी फलाई बन जाएगी। उसके बाद हमें लेना है हिप का चौथा हिस्सा, यह हम मार्जिन छोड़ देंगे। यहाँ से हमें लेना है 9.5, और ये मार्जिन छोड़कर हमें यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है। 9.5 यहाँ से यहाँ तक लेना है, इधर मार्जिन छोड़ना है और इधर भी मार्जिन छोड़ना है। ये बिल्कुल वैसे ही निशान है जैसे हम पेंट में लगाते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसको हम डाउन करते हैं 0.25 इंची, उस हिसाब से हम इसको डाउन कर देंगे, ठीक। अब ब्रिचेस की जो लूजिंग हम रखते हैं, उसे हम रखते हैं नॉर्मल। अगर हमें ब्रिचेस लूज करनी है तो उसको हम 1 इंची लूज रखेंगे, और अगर ज़्यादा लूज करनी है तो 2 इंची 2.5 इंच तक हम लूज कर सकते हैं। इसको हम 1 इंची लूज कर रहे हैं। इसके बाद हम लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई है इनकी 38, ये बेल्ट आ जाएगा 1.25 इंची का, 1.5 इंची का, तो हम इसको इतना ऊपर हटा देंगे और 38 पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से। उसके बाद हम इसका सेंटर कर लेंगे यहाँ से, इस जगह से, और इस जगह तक हमें सेंटर लेना है। ये आएगा हमारा 6 से 1 सूत कम आ जाएगा। इतनी ही दूरी पर हम यह निशान लेकर के 6 से 1 सूत कम पर निशान लगा देंगे, और इसका भी इस तरीके से सेंटर में निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हम इस निशान को मिला देंगे ऊपर तक। अब हमें लेना है घुटने का निशान। यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 27 आ रहा है, इसका हम हाफ कर देंगे। हाफ आएगा 13.5 1 सूत। उसके बाद इससे हमें 2.5 इंची ऊपर ले लेना है, ये हमारा घुटने का निशान आ जाएगा। हम इसका मेजरमेंट लेकर भी लगा सकते हैं घुटने का निशान, ठीक। यह हमने लिया है यहां से यहां तक,
हिप का चौथा हिस्सा, मार्जिन छोड़ के यहाँ से यहाँ तक हिप का चौथा हिस्सा, इसको डाउन कर देंगे 1.5 इंच की, ये हम फ्लाइट राउंड दे देंगे और यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे लूजिंग के लिए। अब आता है हमारा इसकी जो मोहरी रखी जाती है, इसकी मोहरी रखी जाती है जितना हमारा ये पोर्शन है, ये हमारा है 4 इंच 100 150 समझ लीजिए, 4.25 है, हम यहाँ से 4.25 पर निशान लगाएंगे, जितना ये जितना भी आता है उतना ही आपको यहाँ निशान लगाना है। और ये निशान लगाने के बाद हम इसको मिला देंगे इस तरीके से, ठीक। इस साइड में हमें ये जो गहरी शेप पट्टी है इधर की, इसका इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इसी का इस्तेमाल करना है, इस साइड की शेप पट्टी का, जो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती, वरना गहराई वाली यहाँ तक आ जाएगी, हमें इसका इस्तेमाल करना है। ये हमारी मोहरी निकल जाती है इससे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 1 इंची बढ़ाया है, हम इसको भी यहाँ से 1 इंची बढ़ा देंगे, ठीक। अब हमें इस जगह से यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से शेप देनी है, और फिर यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से शेप लेते हुए हम यहाँ दे देंगे, ठीक, इस तरीके से यह। इस तरीके से आपको शेप देनी है इसकी, समझ में आ गया। यहां से हाफ कर लेंगे, उसके बाद घुटने का निशान लगा लेंगे, यहां से थोड़ा सा हमें इसको बढ़ाना है, 1 इंच बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद इस तरीके से इसको टच करते हुए हमें यहां शेप दे देनी है इस तरीके से। ये सेम जो ब्रिचेस हमने कल काटी थी, ये बिल्कुल सेम आएगी। ये इधर से बिल्कुल सेम है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से बिल्कुल सेम आएगी इस तरीके से। तो हम इसको बनाएंगे, ये मैंने आपको बताया कैसे निशान लगाया जाता है इसका, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी बैक का निशान लगाते हैं। अब हम इसको यहाँ रख लेते हैं, जो हमने वो निशान लगाया है बिल्कुल सेम है। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे बैग काटने के लिए। अच्छा, हमने इसका मोहरी का नाप लिया था, मोहरी हमने 13 ली थी, इसकी पिंडली भी 13 थी, और इनका जो घुटना था 14 14.5 है, तो हम इसको ये 14.5। अच्छा, हमें जो ब्रिचेस की मोहरी रखनी होती है वो हमें उतनी ही रखनी है जितनी हमारी फिक्स पिंडली होती है। पिंडली को आप बिल्कुल फिक्स नाप ले लीजिए, उतनी हमको मोहरी रख देनी है। उससे अगर कोई लूज चाहता है तो वो बात अलग है, लेकिन इसका जो सही तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हिप का हाफ लेकर के निशान लगा देना है। 38 इंच इनके हिप हैं, लेकिन ये हिस्सा हमारा 9.5 है, चौथा हिस्सा ही होना चाहिए। अगर आपने नीचे ब्रिचेस बांधने के लिए 8.5 ले लिया तब भी हमें 9.5 से ही हमें लेना है, और अगर हमने ऊपर ले लिया 10.5 ले लिया तब भी हमें 9.5 से ही लेना है। चौथे हिस्से से ही हम इस निशान को लगाएंगे, जो हमें यू का निशान लेना होता है। तो 19 × 38, तो यहाँ से ये हमारा निशान हो गया।
ये निशान हो गया हमारा 4.25 इंची पर, यहां से हम 4.25 पर निशान लगा लेंगे और इसी साइड की शेप से, जिस साइड से हमने इसमें शेप दिए, इसी साइड से हम इधर शेप दे देंगे। ये शेप देने के बाद में हमें जो बैक का निशान लगाना है वो हमें लेना है, तो हमें यहाँ से चौथा हिस्सा लेना है यहाँ से, और ये हमारा चौथा हिस्सा हो जाएगा। यहाँ से नहीं लेना है, ये तो हमने लूजिंग छोड़ दी है, यहाँ से 1 इंच की लूजिंग छोड़ दी है, उसके बाद से हमें लेना है 9.5, और इसको उसके बाद हम लगा लेंगे कमर का निशान। यहां से यहां तक ये मार्जिन में चला जाएगा, इसके बीच हमें मिल रहा है ये 9.5, तो 9.5 को हम यहां रखेंगे मार्जिन छोड़कर, और उसके बाद 35 इंची इनकी कमर है, तो 17 दूनी 34, 17.5 पे कमर हो जाएगी, और ये हमारी प्लेट्स आ जाएगी 1 इंची की, तो हम इसको इस जगह मिला देंगे। ठीक, इस तरह से शेप देने के बाद अब कई लोगों को क्या दिक्कत होती है कि बैक को कितना ऊपर उठाया जाता है, कोई 0.25 इंची उठा देता है, कोई 1 इंची उठा देता है, इस तरीके से बैक को नहीं उठाना है, हमें ये निशान लगाना है यहाँ का, ये निशान लग गया। पैंट में भी सेम इसी तरीके से निशान लगाना है, और ये जो हमने लाइन खींची है इस लाइन पर रख लीजिए, और ये जितना भी ऊपर जा कर के मिलता है उतना मिला दीजिए। ये हमने मिलाया है और ये इसको मिलाया है, बस और कुछ नहीं करना, जितना भी ऊपर जाएगा चला जाएगा, अब ये गया है इतना ऊपर। ये करीब 0.25 इंच के ऊपर गया है, अब हमें इसका शेप दे देना है। ठीक, ये हमारा बैक का निशान हो गया। अब हमें मोहरी का, पिंडली का और इसका निशान सेट करना है। हम इसको इस तरह से निशान लगा देंगे, इसको भी निशान लगा देंगे। मोहरी हमारी 13 है, ये हमारा 4 इंची एक सूत आ रहा है, 4 इंच एक सूत को हम यहाँ रख देंगे। ठीक, और मोहरी हमारी 13 है, तो हम इसको 1.5 इंची ज़्यादा ले लेंगे, बस 14.5 हम ले लेंगे। इसी तरीके से पिंडली को हमें लेना है, ये है 4.25, तो हम 4.25 को यहाँ रखेंगे। पिंडली आएगी इसके और इसके बीच में ही लेनी है हमें, जैसे 13 इंची पिंडली है तो हम इसको ले लेंगे 1.5 इंची, तो ज़्यादा हो ही जाएगी, 14.5 प्लस हम इसको 1 इंची ज़्यादा ले लेंगे 15 इंची। अब आता है घुटना, घुटना है यहाँ से यहाँ तक हमारा, ये 5 इंच के आसपास है, हम 5 इंच को यहाँ रखेंगे। साढ़े चौदह हमारा घुटना था, ये हमारा 14.5 यहाँ आ जाता है, इसके बाद हम 1.5 इंची पर यहाँ ले लिया हमने, और उसके बाद में 1 इंची और इसको बढ़ा देंगे हम, क्योंकि 1 इंच तो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। ये हमने 13 रखा, 4 इंच एक सूत
उसको यहाँ रखा, ये हमारी मोहरी हो गई। इसके बाद ये 1.5 इंची हमारा मार्जिन में चला जाएगा, तो 13 ही मोहरी आ जाएगी। इसी हिसाब से 4.25, यहाँ 4.25 रखो। अब हमारा घुटना हमें 1 इंच ज़्यादा रखना है, तो 13 इंची है, तो ये हमने रखा इसको, ये हमारा मार्जिन चला जाएगा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने इसको 1 इंची बढ़ा दिया। इसी तरीके से हमने इसको भी, घुटने को भी 1 इंची बढ़ा दिया। ये 5 है, 5 को यहाँ रख देंगे और 14.5 रख लिया। उसके बाद में ये लूजिंग हो गई, ये मार्जिन हो गया, ये लूजिंग हो गई। इसके बाद में हमने 1 इंच इसको बढ़ा दिया। इसमें हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेन चीज़ आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। अब हम बैक का निशान लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल बराबर निशान चलेगा, ठीक। उसमें कोई हमें आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम हटना शुरू करेंगे, इस निशान को टच करना है, इसको टच करना है। ये तो हम पहले भी खींच सकते हैं। अब हमें यहां से हटाना शुरू करना है इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से हम इसका बैक का निशान लगा लेंगे। यहां से यहां तक जो भी हम काम करते हैं, जैसे मोहरी हमें रखनी है, तो ये क्लाइंट के हिसाब से कोई काम नहीं होगा। इसमें उतनी ही मोहरी रखनी है, जितनी पिंडली होगी उतनी आपको मोहरी रखनी है। और ये जो मैंने सेंटर की लाइन खींची थी, ये बिल्कुल सेंटर की लाइन पर ही आएगा, यहां से यहां तक। इसको आप ऐसे नहीं कर दें, कभी यहाँ ले लिया, कई लोग इस तरीके से कहीं भी ले लेते हैं। ब्रिचेस का ये सबसे अच्छा तरीका है काटने का, कि आप बिल्कुल सेंटर लाइन पे इसको ले लीजिए। पुट्ठे की सिलाई को यहाँ से यहाँ तक लेनी है, घुटने से लेकर के मोहरी तक। और उसके बाद जितना यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा होगा, 1.5 इंच छोड़ करके जो भी हिस्सा होगा उसको यहाँ तक ले लीजिए, सीधा, बिल्कुल सीधा ले लीजिए। और यहाँ से बढ़ाकर हल्का सा शेप देते हुए इसको इस तरीके से मिला दीजिए। उसके बाद यहाँ से जो भी हमने लूजिंग छोड़ करके चौथा हिस्सा ले लीजिए पूरा। उसमें बैक में बिल्कुल लूजिंग मत छोड़ना, कि जितना चौथा हिस्सा आता है उतना ही लेकर के इस तरीके से शेप देनी है आपको। ये मैंने बता दिया कितना ऊपर उठा जाता है, कैसे उठाया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में इसको शेप देकर जितना भी आगे आएगा उतना ही यहाँ से आगे ले करके इसको मिला दीजिए, ठीक। इसमें एल पॉकेट लगती है, इस तरीके से एल पॉकेट। अभी बैक का मैं आपको बताऊंगा, इसकी जो और भी कई डिटेलिंग होती है और कई तरीके से ब्रिचेस काटी जाती है। यहाँ हम साइड में बटन भी लगा सकते हैं, इसमें भी हम बटन लगा सकते हैं। और जैसे कि ब्रिचेस का इस्तेमाल आजकल और कई चीज़ों में होने लगा, ये सिर्फ पोलो पैंट बोलते हैं इसको, ये सिर्फ जब घुड़सवारी करते हैं, जब पोलो खेलते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है, या फिर शिकार करने वक्त ही इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आजकल ये फैशन में आ गया है, तो ये जैसे शेरवानी के नीचे भी पहना जाता है, और वैसे भी जैकेट के ऊपर नीचे भी लोग पहनने लगे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप शेरवानी के नीचे की ब्रिचेस काट रहे हैं तो आप इस तरीके से काट दीजिए, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पोलो बना रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ पोलो जो ब्रिचेस होगी वो कैसे कटती है। देखिए, ये जो मैंने अभी ये हिस्सा काटा है, ये तो इसका हो गया, ये मैं निकाल देता हूं इसको। ये बिल्कुल इसका हिस्सा है, ये इसका मार्किंग का निशान है और ये इसका निशान है यहां का। उसके बाद ये इसका नीचे का हिस्सा है इस तरीके से।
ये इसका नीचे का निशान है यहाँ तक। अब होता क्या है, हमने क्या किया, इसको हमने सेंटर से काट दिया। एक्चुअली यहाँ पर जो हम इसको एक्स्ट्रा करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो बैलेंस का निशान जो हमने यहाँ लगाया है, ये जो बैलेंस का निशान लगाया है, इसमें फ़र्क आ जाता है। तो हमने इसको ऊपर से बिल्कुल इसको मिला करके इस तरीके से हम इसको यहाँ तक ले लेते हैं। तो ये जो है सिलाई में चला जाएगा इतना, इसको हम जोड़ना पड़ता है बाद में। इसको हमने जैसे सेंटर से काट दिया है, इसको बिल्कुल सेंटर से काट देते हैं, उसके बाद में एक सूत ऊपर एक सूत नीचे करके हम इसको इस तरीके से शेप दे देते हैं। ये घुटने का शेप आ जाता है जो पीछे से दबा लेता है और घुटने को मोड़ने में मदद करता है ये चीज़। अगर आपको पोलो पैंट बनानी है तो आपको ये पीस काटना पड़ेगा, और अगर आपको शेरवानी के नीचे की ब्रिचेस बनानी है तो इसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आप उसको बना सकते हैं, जैसे हमने इसको काटा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे हमने इसको काटा है, जैसे ये निशान है, हम इसको यहाँ ले लेंगे क्योंकि ये घूम जाता है और घूमने की वजह से ये इस तरीके से आ जाएगा। बैक जब हम काटेंगे तो जैसे हमने ये निशान लिया है, अब हम इस पीस को उड़ा देंगे बिल्कुल। उड़ाने के बाद एक सूत इधर एक सूत इधर इस तरीके से हम इसको काट देंगे इस तरीके से, ठीक। तो एक सिलाई यहां आएगी, यहां आएगी, तो ये बढ़ गया, ये 1.25 इंच के आसपास बढ़ गया। तो हम इसको 1.25 इंच ही बढ़ाई काटेंगे, छोटा नहीं काटेंगे, मतलब नीचे से हम इसको यहां काटेंगे। इसमें फर्क नहीं आना चाहिए, जोड़ते वक्त ये बिल्कुल बराबर रहता है और ये चीज बराबर रहती है। तो ये बिल्कुल सेंटर पे ही जुड़ेगी, ये निशान यहां है लेकिन जुड़ेगा यहां, समझ गया, क्योंकि ये चीज नीचे उतर के जाने वाली है। जब इस चीज को जोड़ेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, दिखने में ये लग रहा है ऊपर लेकिन नीचे आएगा ये। इसी तरीके से जब ये नीचे आएगा तो इसके सामने बिल्कुल हम इसको जोड़ सकते हैं। अब रही कटिंग की बात, तो आप इसमें इतना मार्जिन रख के काट सकते हैं, इतना मार्जिन रख के काट सकते हैं, ऐसे ही हम इन साइड में मार्जिन रख के काट सकते हैं इस तरीके से। यह तो हमें मार्जिन रखना होता ही है, ठीक। अच्छा, बैक में हमें एक डट का हमने निशान ले लिया था, तो हमें यहाँ पे 4.5 इंची पे हमें डट का निशान लगा देना है इस तरीके से। ये हमारी डट हो जाएगी, ये हमारी बैक हो गई है। इस तरीके से आप ब्रिचेस काट सकते हैं। बहुत से लोग एक साथ बोल रहे थे कि उनके उस्ताद ने उन्हें सब कुछ सिखाया था लेकिन ब्रिचेस काटना नहीं सिखाया। पता नहीं लोग क्यों छुपा करके कटिंग करते हैं। मैंने भी बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो छुपा करके कटिंग करते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन क्या पता वो अपनी जगह सही होते होंगे, किस वजह से वो नहीं बताते, क्या कह सकते हैं इस बारे में। मैं तो मेरे उस्ताद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। मैं मेरठ में मैंने कटिंग सीखी है, मेरे मदन लाल
और ओम प्रकाश जी मेरे गुरु थे, दो उन्होंने मुझे बहुत ही मेहनत से और बहुत ही ईमानदारी से काम सिखाया है। सभी सिखाते हैं मेहनत और ईमानदारी से, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता सब नहीं, सभी लोग मेहनत करते हैं। अभी तो जो शागिर्द होता है वो भी अगर मेहनत करे तो, जैसे लगन है जिन्होंने मुझे बताया कि उनके उस्ताद ने उन्हें ब्रिचेस काटना नहीं सिखाया, तो ये लगन सब में नहीं होती, आपके अंदर है कि मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। तो उस्ताद को भी पता होता है कि अगर इसमें लगन है तो अपने आप सीख लेगा, कुछ तो छोड़ो इसके लिए सीखने के लिए, और अगर इस काबिल नहीं है तो नहीं सीखेगा, कभी भी नहीं सीखेगा। तो ये बातें होती हैं, खैर इनकी बातें वो ही जाने। अब आप आराम से ब्रिचेस काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इसको जब हम बनाएंगे, वो भी बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है, पेंट की तरह नहीं बनता है ये, थोड़ा सा इसमें ध्यान से अगर बनाएंगे तो, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने देखा ब्रिचेस की कटिंग कैसे की जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा, मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट शर्ट जैकेट कोट टैक्सीडो ब्रिचेस शेरवानी कुर्ता पजामा, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।